ये मार्केट जैसा सन ड्राई गोलगप्पे बनाना बहुत ही आसान, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी। कितना जल्दी बन के तैयार होते हैं, इसे बनाना शुरू करते हैं। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड बाय सोनी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये सन ड्राई गोलगप्पे। ये सन ड्राई गोलगप्पे घर पर बनाकर इसे स्टोर करें, कुछ ख़राब नहीं होता है। ये एक साल रख लें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। धूप पर सुखा कर रखते हैं इसे। इसी तरह से आप भी बनाकर स्टोर कर लें। इसे बनाने के लिए मैं आपको दिखाऊंगी इसका प्रोसेस। चलिए बनाना शुरू करते हैं गोलगप्पे सन ड्राई। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये सन ड्राई गोलगप्पे। घर पर आसानी से बनाएं, बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगा। मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होगा। इसे बनाने के लिए घर के रखी हुई सामग्री से बनाकर तैयार करेंगे। इसमें मैं लूँगी रेगुलर वाला जो गेहूं का आटा होता है, रोटी वगैरह बनाते हैं उस आटे से। मैं एक कप आटा लूँगी, उसका आधा लेंगे मैदा। एक कप गेहूं का आटा, आधा कप मैदा। अब मैदा का आधा हिस्सा लेंगे ये बारीक वाली सूजी। आपके पास अगर मोटी वाली सूजी हो तो उसे थोड़ा मिक्सी में चलाकर उसे बारीक कर लें। मेजरमेंट का खास ध्यान रखना है। इसमें एक कप मैदा है, एक कप गेहूं का आटा, आधा कप मैदा, उसका आधा हिस्सा है ये बारीक वाली सूजी। नमक लेंगे स्वाद अनुसार, और इसमें लेंगे बेकिंग पाउडर आधा चम्मच, 1/4 चम्मच लेंगे बेकिंग सोडा। बस इतनी सी ही सामग्री में ये बनके तैयार होगा। बस 1 से 2 चम्मच तेल लगेंगे। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए बर्तन में एक छन्नी रख लूँगी। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स सब कुछ छान कर लेंगे। अगर आपके पास जिस तरह का छन्नी हो, इस तरह का हो तो इससे भी छान लें। जिस तरह का आपके पास है उससे छान कर इसे तैयार कर लें। एक बार छान कर लेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। इसी तरह से सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान कर तैयार कर लिए हैं। अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा सारे सब इसमें डालकर मिला लिए हैं। बस इसमें नमक रह गया है, इसमें मैं पानी में ऐड करूँगी। इसके लिए मैं ज़्यादा करके थोड़ा पानी इसमें ऐड करने के लिए, बॉयल करने के लिए रख चुकी हूँ। चलिए दिखाती हूँ आपको। पानी हमारा उबल चुका है, मैं ज़्यादा करके इसमें पानी ऐड की हूँ, लेकिन जितना हमको ज़रूरत लगेगा बस उसे यूज करेंगे। 2 से 2.5 कप में हमारा बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं ज़्यादा करके पानी इसमें ली हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, बॉयल हुआ पानी जो है उससे मैं पहले 1 कप ऐड करूँगी। एक बर्तन में फ्लेम को लो ही रखेंगे। 1 कप में हम इसमें डालेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार लेना, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अगर आपके पास रिफाइंड ऑयल ना हो, इसे बगैर स्मेल वाला तेल आप यूज कर सकते हैं, कोई भी तेल आप ले सकते हैं। बस इसमें क्या करेंगे, जो मिक्स वाला जो हमारा मिक्सर जो है, ये आटा वाला, इसे आहिस्ता आहिस्ता डालते हुए इसे मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इसी तरह से सारे मिक्सर डाल लेंगे और इसे मिलाते रहेंगे। ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर हमें इसमें पानी ऐड करेंगे, बॉयल वाला पानी जो होता है उसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा और डाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालें, वरना हमारा आटा जो है वो गीला हो जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। जिस तरह का हमें चाहिए उस तरह का नहीं बनेगा। बस और थोड़ा लूँगी। हमें इसमें टोटल 2 से 2.5 कप पानी इसमें लग जाता है। आटे के ऊपर डिपेंड करता है कितना पानी इसमें यूज होगा। आपके आटा किस तरह का है और हमारा किस तरह का है, इसी तरह से मिलाकर एक सेमी सॉफ्ट डो बनाएंगे। ये सॉफ्ट वाला आटा लग के तैयार होगा, उसे अच्छे से मसल कर उसे डो बनाएंगे। इतना अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा, आप सोच रहे होंगे कि ये इस तरह का पहले क्यों नहीं बनाए।
बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। बस इसे अच्छे से मिला मिला कर ऐसे कर लें, इसका डो के लिए तैयार कर लें। ये थोड़ा सा टाइट लग रहा है तो इसमें और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी और इसे मिला लूँगी। अच्छे से मिला लें, मिलाकर इसे ढककर इसे पकाने में मैं स्लो फ्लेम में 5 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएंगे। इसे थोड़ा सा ढककर 2 से 3 मिनट इसे लो फ्लेम में रख लेंगे, इसे ढक लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। ये 2 मिनट हो चुके हैं, गैस को बंद कर लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इस तरह का ठंडा चाहिए जिस तरह इसे टच कर सके, बस इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। 5 मिनट हो चुका है, अब इसे क्या करेंगे, दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इसे मसलते हुए इसका सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करेंगे। अब इसे मसल मसल कर, थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसे छूने लायक हो चुका है, अब इसे मसल मसल कर इसका सॉफ्ट वाला डो बनाकर तैयार करेंगे। और इसमें 1 चम्मच तेल डाल लेंगे, टोटल हमें 3 चम्मच तेल इसमें लगा है। ये कितना सॉफ्ट बन के तैयार हो चुका है ये देखिए। अब इसे क्या करेंगे, छोटे छोटे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे, इस तरह का सारे गोले बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे डो का मैं इस तरह का छोटे छोटे गोले बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। ये 20 गोले बन के तैयार हुए हैं, इसे 2 गोले लेंगे और इसे ढक लेंगे। इसे किस तरह से बेलना है मैं आपको बताती हूँ। इसे अच्छा गोल शेप दे देंगे और लेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, इसमें थोड़ा सा डस्ट करते हुए इसे आहिस्ता आहिस्ता से बेलेंगे। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता से इसे बेलकर तैयार करेंगे 2 रोटी को। 1 रोटी बनके तैयार हो चुका है, इसे साइड में रख लेंगे और 1 रोटी को इसी साइज का बनाकर तैयार करेंगे। इसी साइज का 2 रोटी बनके तैयार हो चुके हैं। ये इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लगा लेंगे और इसके ऊपर में ये रोटी को लगाकर आहिस्ता आहिस्ता से इसे बेल लेंगे। जब इतना बेलना है कि ये 2 रोटी एक दूसरे में चिपक जाए। मैं इसे बेल के तैयार कर चुकी हूँ। आपके पास अगर कोई कटर हो तो कटर में काट लें, मैं एक डिब्बा का ढक्कन में ली हूँ, इस तरह का इसी से ही काट के तैयार करूँगी। ये देखिए इस तरह का इसका थिकनेस होना चाहिए। अब मैं इसी तरह से जितना आ सकता है इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमारे गोलगप्पे इसी तरह से सारे गोलगप्पे बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे गोलगप्पे बनके तैयार हो चुके हैं। इस तरह का थोड़ा सा थिकनेस हमें चाहिए होता है। अब इसे क्या करेंगे, आप अगर आपके पास थैली हो उसमें भी आप इसे धूप में रख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बड़ा सा थाली में इस तरह से फैला लूँगी। आपको अगर किस तरह किसी चीज़ में कपड़े में चुन्नी में किस में भी रखना हो आप इसे रख कर इसे धूप में रख सकते हैं। 1 घंटे के बाद इसे पलट लेंगे, वरना इसके जो साइड वाला पार्ट है वो ऊपर को आ जाएगा, तो इसलिए तो उसे 1 घंटे के बाद उसे पलट लेंगे। 4 से 5 घंटे में ये बिल्कुल भी बन के तैयार हो जाएगा। इसे आप क्या करेंगे, इस तरह से फैला लेंगे और इसे धूप में रख लेंगे। वो थाली मुझे छोटा हो रहा था तो इसलिए मैं बड़ा सा थाली में एक चुन्नी बिछा चुकी हूँ। आपके पास कॉटन कपड़ा कोई भी हो उसमें इस तरह से फैला लेकर इसे धूप में रख लेंगे। जो साइड वाला पार्ट है इस तरह से उठने लगे तो इसे आहिस्ता आहिस्ता से पलट लेंगे। इस तरह से ना करें तो ये अंदर की तरफ मोड़ मोड़ी हो जाएगा तो अच्छा नहीं बनेगा, ये मार्केट जैसा नहीं बनेगा।
इस तरह से इसे पलट लेंगे। 4 से 5 घंटे अच्छे से सूख जाने के बाद ये मार्केट जैसे गोलगप्पे बन के तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल भी सूख के तैयार हो चुके हैं। अब इसे तेल पर फ्राई कर इसे खाकर एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब इसे तेल पर फ्राई करके मैं दिखाती हूँ आपको। तेल हमारा गर्म हो चुका है, फ्लेम को मैं मीडियम हाई फ्लेम पर रख चुकी हूँ। अब मैं इसमें डाल लूँगी और इसे इस तरह से फ्राई करेंगे। बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। देखिए ये गुब्बारे की तरह फूलने लगा है। सारे गोलगप्पे हमारे अच्छे से फूल के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितना अच्छे से बन के तैयार हुआ है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। इसी तरह से अपना आपको जितना ज़रूरत लगे उसे छानकर एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह से बनाकर स्टोर कर लें। बहुत अच्छे से 6 महीने 1 साल आराम से रख के एंजॉय कर सकते हैं। हमारे गोलगप्पे बनके तैयार हो चुके हैं। मैं इतना सा बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। ये बच्चों के लिए मैं लेकर जा रही हूँ। मैं चली एंजॉय करने। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।